क्या आप जानते हैं इतिहास की 10 सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन थी? नहीं तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। नंबर 1, जेनोबिया पालमोरेन साम्राज्य की महारानी थी, जिन्होंने 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य की सत्ता को चुनौती दी थी। उसने लेबनान और मिस्र, अनातोकिया और रोमन यहूदियों पर भी विजय प्राप्त की थी। इन्होंने 240 से 275 ईस्वी तक शासन किया था। नंबर 2, क्लियोपेट्रा टॉलमिक मिस्र की अंतिम फिरौन थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और देश की स्थिति और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। इन्होंने 69 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह के नेताओं में से एक थी, जिसे ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें इंडियन जोन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, जोन ऑफ आर्क, वह एक फ्रांसीसी नायिका थी और रोमन कैथोलिक के लिए एक संत थी। उन्होंने ऑर्लियंस की लड़ाई में अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांसीसी सैनिकों को एकजुट किया था और रहस्यमय सपने देखने का भी दावा किया था। हालांकि अंत में उसे धोखा मिला और उसे दांव पर जला दिया गया। नंबर 5, बोर्ते उजीन, यह एक मंगोलीय साम्राज्य की महारानी थी, चंगेज खान की पत्नी थी और खान की सबसे भरोसेमंद सलाहकार थी। और जब चंगेज खान युद्ध में जाता था तब वह मंगोलिया पर शासन करती थी। नंबर 6, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने 1966 से 1984 तक 4 कार्यकाल तक सेवा की थी, जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई। वह एक शक्तिशाली शख्सियत थी, हालांकि कई विद्रोहों में से वो घिरी रहती थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नंबर 7, मार्गरेट थैचर, इन्होंने 1979 से 1990 तक यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थी और यह पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। उन्होंने 20वीं सदी में ब्रिटिश के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की। सोवियत संघ द्वारा उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, थियोडोरा, यह बीजान्टिन साम्राज्य की एक प्रभावशाली साम्राज्ञी थी और उसकी विवाह सम्राट जस्टिनियन प्रथम से हुआ था। वह उसकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार थी। उन्हें महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने, तस्करी विद्रोहियों कानून पारित करने और तलाक की कार्यवाही में सुधार करने के लिए जाना जाता है। नंबर 9, महारानी डाउजर सिक्सी, वह चीनी सम्राट की मां और संरक्षिका थी, जिन्होंने 1908 तक लगभग 50 वर्षों तक चीन पर शासन किया था। उन्होंने सैन्य और तकनीकी सुधार लाए, पश्चिमी विद्रोहियों दृष्टिकोण का समर्थन किया और 1899 से 1901 के बक्सर विद्रोह में भी शामिल थी। नंबर 10, हस्तेपसूत, वह एक प्राचीन मिस्र की फिरौन थी, जिसने सीरिया, नूबिया और लंबत में सैन्य अभियान के निर्माण की देखरेख की और उसने टूटे हुए व्यापार नेटवर्क का पुनः निर्माण किया। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।